दोस्तों मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं, अगर आपका अकाउंट HDFC बैंक में है और पैन कार्ड को लिंक करना चाहते हैं या तो अपडेट करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल से कर सकते हैं। आपको ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही छोटा सा वीडियो है, इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और सर्च में आपको टाइप करना है HDFC बैंक नेट बैंकिंग। सर्च करेंगे सबसे ऊपर ही आपको मिल जाएंगे नेट बैंकिंग HDFC बैंक, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे यूज़र आईडी इंटर कर देना और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। मैंने बहुत सारा वीडियो पहले बना रखे, यूज़र आईडी कैसे बनाना है, पासवर्ड कैसे बनाना है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मेरा प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें, वहाँ बहुत सारा वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप कस्टमर आईडी को पता कर सकते हैं, आपके पासबुक में होगा तो वो आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। चलिए यहाँ मैं कस्टमर आईडी इंटर कर देता हूँ। कस्टमर आईडी इंटर करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पासवर्ड इंटर कर देना है। अगर पासवर्ड नहीं पता है तो फॉरगेट आईपिन पासवर्ड पे क्लिक करके नया पासवर्ड बना सकते हैं। चलिए यहाँ पासवर्ड इंटर करके लॉगिन कर लेते हैं। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो ये मेरा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। यहाँ बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, जैसे अकाउंट, फंड ट्रांसफ़र, बिल पे एंड रिचार्ज। ठीक है, तो आपको अकाउंट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, ट्रांजेक्शन, इंक्वायरी और रिक्वेस्ट। आपको रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है एडिट अपडेट पेन नंबर, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको पेन नंबर इंटर कर देना है। अगर आपका पहले से लिंक होगा तो आपको यहाँ पर पेन नंबर शो करेगा, अगर आपका लिंक नहीं है तो यहाँ पेन नंबर शो नहीं करेगा, तो आपको यहाँ पेन नंबर इंटर कर देना है। ठीक है, चलिए मैं पेन कार्ड का नंबर यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। पेन नंबर इंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। चलिए क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे अपडेट पेन नंबर कंफर्म, ठीक है, तो आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है। आपको सही से चेक कर लेने के बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। चलिए कंफर्म पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपडेट योर पेन डिटेल्स कम्प्लीट। तो इस तरह से आप पेन कार्ड को अपडेट कर सकते हैं या तो लिंक कर सकते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा सीधा आप उसे देख पाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।